वेलकम गाइस, आईटेल पर वीडियो में रियलमी नार्जो का फ़ोन। इसमें अगर आप जो है कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं और डेवलपर ऑप्शन आपको चेक करना है, आपको डेवलपर ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो आप कैसे उस डेवलपर ऑप्शन को अनेबल करेंगे ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं फ़ोन की सेटिंग के अंदर, वहाँ पर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन और रैम इंटरनल स्टोरेज ये आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं फ़ोन की सेटिंग के अंदर। ये रहा सेटिंग का ऑप्शन, आपको नॉर्मली जो है सेटिंग के आइकन पे टच करना है। ठीक है, नॉर्मली आपको सेटिंग के आइकन पे टच करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ये देखें, ये ऑप्शन आ जाता है। सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है अबाउट वाला ऑप्शन शो होगा, आपको अबाउट वाले ऑप्शन पे जो है टच करना है। यहाँ पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है डिवाइस नेम दिखा देगा, जो भी आपका डिवाइस नेम है, और स्टोरेज दिखा देगा आपने कौन कितना स्टोरेज वाला फ़ोन लिया, 128 वाला, 256 या 512, वो आपको यहाँ ऊपर की साइड शो हो जाएगा। ठीक है, जो मॉडल नंबर है और इसका जो प्रोसेसर है वो मीडिया टेक हीलियो जो भी आपका डला हुआ है वो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी दिखा देगा कि आपकी जो है फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी आपको यहाँ पे शो हो जाती है। स्क्रीन साइज़ भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, मेरा 17.07 है सेंटीमीटर, और इसमें जो है रैम 6 GB और 6 GB प्लस में दे रखा है आपको। 12 GB टोटल रैम इसके अंदर इस फ़ोन में जो है वो आपको मिल जाता है। और कैमरे का जो कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ पे 8 MP जो फ्रंट कैमरा है वो आपको मिल जाएगा, और रियर कैमरा 64+2 MP के साथ आपको मिल रहा है। एंड्रॉयड वर्जन 14 जो लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, और इसका डेवलपर ऑप्शन डेवलपर ऑप्शन एक मिनट में आपको बताता हूँ। इसका डेवलपर ऑप्शन डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए करा था क्योंकि IMEI नंबर शो हो जाता है, तो यहाँ पे हमने इस पर डेवलपर ऑप्शन पे टच करेंगे तो यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको टच करना है, ये बेसबैंड वर्जन पे। ये देखो, विजन नंबर पे हम 3-4 बार टच करेंगे तो ये डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप जो है डेवलपर ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।